मुझे सिर्फ एक बात आप सबसे कहनी है कि बाबा साहब ने कहा था, और अगर वो पढ़ते ना, क्योंकि जब उनके सारे बच्चे मरते जा रहे थे बारी बारी से, उनका पूरा परिवार खत्म हो रहा था, उनको जाना था सम्मेलन के लिए, और वो सम्मेलन आजकल का जैसा नहीं था कि जाके ट्रिप पे जाके घूम के चले आओ। उनका जो संघर्ष था, उनका जो सम्मेलन था, वो सिर्फ और सिर्फ समाज की जरूरत के लिए था। घर में अपने बच्चे की लाश को छोड़ करके, बीवी के कंधे पर बोझ डाल करके अब चले गए थे, और उसके बाद में उस बच्चे को दफन करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। तो आज ये सोचना पड़ेगा कि पहले के समय में और आज के समय में कितनी अभी कमी नहीं रह गई है समाज में। खाने को मिल रहा है, तन पर एक ही कपड़ा मिल रहा है लेकिन पहन रहे हैं, कोई नंगा नहीं घूम रहा है। लेकिन एक दौर ऐसा था कि जब ये जो बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इनको जो है अपना छाती भी जो है ढकने के लिए अधिकार थी। तो ये समय याद करने पड़ेगा, ये सच्चे इतिहासों को पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे नौजवान साथी हैं, लड़कियाँ हैं, इनको सबको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ डॉक्टर और अम्बेडकर के जितने भी लिखे हुए आर्टिकल हैं, उनके द्वारा लिखे हुए जितने भी कागज हैं, उनको आप सब पढ़ें और घर में बैठ कर उन पर चर्चा करें। बाबा साहब ने इसीलिए लास्ट में ये कहा था कि शिक्षा पर जोर दीजिए, अपने समाज को अगर सरोकारों से मतलब बहुत सारी चीज़ों से उबारना है तो सबसे पहली चीज़ है शिक्षा, उस पर बहुत जोर देने की जरूरत है। और वास्तविक अगर बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण न की होती, कितनी डिग्रियां हासिल न की होती, तो ऐसे नहीं जाकर के विदेशों से बहुत सारी लड़ाइयाँ हम सबके अधिकारों के लड़के लेके आए और सुनिश्चित करके गए। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना ही गुर्राएगा। गुर्राने का मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो खुद का आत्मविश्वास है बढ़ेगा। आप गलत को गलत ललकार के कहोगे और डंके की चोट पर कहोगे कि आपने हमको थप्पड़ मारा है, इसको लेकर के ये संविधान बाबा साहब ने बनाया है, इसके लिए ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके लिए व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था बनाई गई शिक्षा के लिए। पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है, पुलिस का असली काम क्या है पता है आप लोगों को? पुलिस का असली काम केवल है जनता की सुरक्षा करना। असली काम है उसका केवल जनता की सुरक्षा करना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, किस तरीके से पुलिस मारती है, घरों से सोते हुए बच्चों को उठा के ले जाती है, लड़कियों को टॉर्चर करती है। उरई में अभी नौजवान बच्ची 15-16 साल की थी, उसको जो है चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, पुलिस उठा कर ले गए, रात भर थाने में रखती है लड़की को, और वो दूसरे दिन लड़की अपने आप को मार देती है, सुसाइड कर लेती है घर आकर। तो ये हालातों पर चिंतन करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बेशक इसी समाज से हूँ, ऐसे ही परिवारों से निकल के आई हूँ, और आज मैं अगर आपके सामने बात कर रही हूँ तो कहीं कहीं वो पीड़ाएं हमारे अंदर हैं जो समाज में मैंने झेली हैं और मैंने देखी और आज भी देख रहे हैं। मुझे बस ये कहना है कि आप लोग जो एकता की बात की जा रही है, एकता के साथ साथ सतर्कता भी बहुत जरूरी है। आज के दौर में हमारे लोगों के बीच में बहुत तरह तरह के चेहरे आते हैं, बहुत तरह तरह के चेहरे आते हैं और तरह तरह के स्वरूप लेकर के आकर के अपने तंत्र मंत्र से जो है हमारे लोगों को ही ठक्कर ले जाते हैं। मैं खास कर आप लोगों से कहना चाहूंगी, यहाँ के बारे में मुझे नहीं पता, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो नवरात्र का व्रत करते हैं? कोई भूखा रहता है यहाँ पे? पूजा करता है कोई? सब जने रहते हैं। मैं परीक्षण नहीं कर रही हूँ, अगर आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, आप अगर मानते हो तो मैं उस पर बात करूंगी 2-3 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप अगर चौदहवाई को मानती हो, ब्रह्मा जी को मानती हो, भोले बाबा को मानती हो, किसी को भी, घर में अगर बच्चे भी कर रहे हैं तो उन चीजों पर ध्यान दीजिए। आपकी, मैंने फिर वही कहा कि आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, चाहे पति कमाए, चाहे आप कमाओ, चाहे बेटा कमाए, बेटी कमाए, उस पैसे को ठगी का शिकार ना बनाए। और उस तरीके के आडंबरों से पेरियार जी ने, रामास्वामी नायकर जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जो जगह जगह पर मूर्ति स्थापित करके खूब पूजा चलती है, खूब चढ़ावा चढ़ता है। आप सोचिए उन मूर्तियों को बनाने वाले कौन लोग हैं? हमारे आपके समाज के लोग हैं, जिनको उसका एवज नहीं मिलता है, एक मूल्य जो मिलना चाहिए मूर्ति बनाने के बाद, उनको वो नहीं मिलता है। फायदा कौन लेता है? आपने मेहनत
करके मूर्ति बनाई और उस मेहनत के बल पर जो है उसको रंग पोत करके बढ़िया डिजाइन करके उसकी फिनिशिंग करके बेचने का काम कौन कर रहा है? दूसरे लोग कर रहे हैं। फायदा कौन ले रहा है? बिचौलिया ले रहा है। आपको आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है और आप जाकर के उसी मूर्ति के सामने मत्था टेकोगी, 9 दिन जाकर के भूखे रहोगी और अपने बच्चों को जो भोजन अच्छा खिलाना चाहिए, मेवा मखाना गरी फल फ्रूट सब खिलाना चाहिए। जब आप अपने बच्चों को अच्छा खिलाओगी तभी ना अच्छा दिमाग होगा ना बच्चों का, तभी ना बच्चे मजबूत होंगे। और जब हम अपने बच्चों का और अपना पेट काट करके हम जाएंगे देवी और देवताओं के ऊपर चढ़ाने के लिए और वहाँ आकर के कुत्ता टांग उठा करके बाथरूम करता है फिर चाटता भी है और उन चीज़ों में हम विश्वास करते हैं, खूब हम कलावा बांधेंगे बड़ा बड़ा लाल काला पीला पता नहीं कैसा कैसा और खूब पता नहीं क्या अच्छा पहनते हैं सब लोग, तो इन चीज़ों से बचे। बचने का रीज़न ये है कि वो पैसा जब आपका बचेगा, आपका बच्चा खाएगा अच्छा, दिमाग अच्छा होगा, आप उसको अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगी, अच्छी शिक्षा देंगी और तब वो बच्चा आगे जा करके कुछ अच्छा सोचने सोच करके अच्छा काम वो कर सकता है, तब आपकी मेहनत और आपका कमाया हुआ धन वो सफल हो सकता है और तब आप एक परिवर्तन की दिशा में जा सकती हो। अगर हमने खुरपी लेकर निराई की है जिंदगी भर खेतों में, चाहे नैहर की है चाहे ससुर की है, और अगर हम अपने लड़का के ओलायक नाई बना पाए, आज की जो परिस्थिति है आप देखिए, रिजर्वेशन जो आरक्षण हमारा बाबा साहब निश्चित करके गए उस पर हमला पूरी तरीके से हो रहा है। हमारा संविधान में अभी अगर हम लोग बात करें उसको बहुत अंतर तह से जाके देखें तो संविधान के अंदर पूरा सब कुछ बदला जा चुका है, सिर्फ ऊपर का कवरिंग लेटर बचा हुआ है। वो इसलिए बचा हुआ है कि जो हमारे भारत देश में 85% वाली जो जनसंख्या है ये कब उग्र हो जाएगी, जैसे पिछले 2 अप्रैल का आप लोग आंदोलन याद कर लीजिए, जब SC ST एक्ट को लेकर के प्रावधान चेंज कर रहे थे, जब बदलाव कर रहे थे, पूरे देश की जनता उमड़ी थी वो 85% की और उसमें कितने सारे जो लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारे नौजवान साथी कुर्बान हुए उसमें, उनकी कुर्बानियों को हमें ऐसे ही नहीं भूल जाना चाहिए। वो हमारे लिए कुर्बानी दे करके गए हैं, हमारे बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दे करके गए हैं, तो बाबा साहब की कुर्बानी और बाबा साहब के संघर्ष को मुझे लगता है कि अगर समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उसको नकारता है अपने एटीट्यूड से अपने बिहेवियर से या जानबूझकर अगर अनजान मानता है तो उससे बड़ा कोई दोगला व्यक्ति समाज में नहीं होगा, वो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि अपने बच्चों की शिक्षा को बहुत ही सुदृढ़ करिए, समय निकालिए, आप चाहे जितना काम करती हो लेकिन बच्चों के साथ बैठिए आधा घंटा एक घंटा और उनके साथ बात करिए। और जो हमारे समाज में नौजवान लड़के लड़कियां अभी बहकावे में आते हैं, एक उम्र ऐसी आती है किशोरावस्था की उसमें भटकते हैं क्योंकि वो भटकाव का दौर होता है, लेकिन उसको भी नियंत्रण करने की नैतिक जिम्मेदारी हम आप सबकी मिलकर बनती है। उनको उन चीज़ों को समझाएं, उनके साथ चर्चाएं करें बैठ करके, उनको नगण्य ना करें कि नहीं नहीं कार है तू का जाना था। मालिक का मतलब ये नहीं होता है कि हम जैसे चाहें वैसे चलाएं, मालिक का मतलब ये होता है वो सबको अच्छी तरीके से खुशी खुशी से सबको साथ लेकर के चले, असली मालिक वो होता है। जरूरतें कम ज़्यादा होती रहती हैं, तो आप लोगों से बस मुझे यही कहना है कि अपना मेहनत का कमाया हुआ अपने घर का पैसा आडंबरों में ना ख़त्म करें, बहुत मेकअप बाजी भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो अपने कहते हैं ना, अगर हम 1 किलो आटा रोज़ घर में गूंथ रहे हैं सान रहे रोटी बनाने के लिए, उसमें से अगर हमने एक मुट्ठी रोज़ कम करना शुरू किया ना सूखा आटा, तो आप 10 दिन के बाद देखिए कि कितना आटा वो तैयार होता है। बचत करने का तरीका आप लोगों से बेहतर और किसी के पास नहीं आता है, ये मैं जानती हूँ बखूबी क्योंकि मैं भी महिला हूँ। खर्च करने के लिए तो जितना होगा वो खर्च हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरतें पूरी घर से होती हैं तो सब लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई घर जिम्मेदार है, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और आगे आने वाले समय के लिए हमेशा सतर्क रहें और बच्चे बच्चियों को कभी भी किसी तरीके के अगर व्यभिचारों में वो फंसते हैं तो उसे निकालने की कोशिश होनी चाहिए। उनको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान करके और वो बेचारे अलग थलग होकर के अपने आप को ख़त्म कर दें, वो ज़िंदगी खोने से भी बचाने की ज़रूरत है, है ना। समाज में अभी ये जो वैश्विक महामारी आई कोरोना का जो प्रकोप आया, इस प्रकोप में कितने लोग बाहर जो कमाने गए थे फंसे हुए थे, कैसे कैसे लोग घरों को आए, अब यहाँ आने के बाद कोई काम नहीं, कंपनियाँ बंद हो रही हैं, कंपनियाँ बंद हो गई हैं,
जब यहाँ भी काम नहीं है तो अब क्या होगा, आपस में झगड़ा होगा, मारपीट होगी। और जब आपस में झगड़ा होगा तो जिसके पास थोड़ा सा बाहुबल होगा, पैसा होगा, तो वो सीधे पुलिस की तरफ भागेगा। और जब आप पुलिस की तरफ जाओगे, पुलिस आपकी नहीं सुनेगी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है। तो उन झगड़ों को भी बचाने की जिम्मेदारी आपस में ही अपने सबकी है। ये कहकर से नहीं छोड़ना कि तो उनके घर एक झगड़ा हो, ये तो उनका मेहरारू मन से दुख मामला हो, ये कहकर ना छोड़ेगा। चढ़ के बल भर बोले खो, ओके समझे खो, और निराकरण यही करे खो, पुलिस थाना ना जाए, ठीक बा? एकदम साफ सुथरी बात हो, केहू घरे में हो, चाहे हमरे घरे हो, चाहे तोहरे घरे हो, हम तीसरे आदमी को मौका क्यों दें अपने घर में घुसने के लिए, अपने समाज के अंदर घुसने के लिए? हमारी समस्या है, हमारी पीड़ा है, हमारे समाज की पीड़ा है, तो हम लोग मिलकर निपटाएंगे। बस मैं यही कहूंगी कि बाबा साहब ने वही जो बात कही थी, शिक्षा का ध्यान दीजिए कि शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप लोग अच्छी शिक्षा की तरफ अग्रसर हो, और आप सब अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अपना ज्ञान बढ़ाएं। और ज्ञान के साथ जो धर्म की बात की जा रही थी, आपका जो संविधान है, संविधान की जो अवधारणा है, मूल प्रस्तावना जो है, वो भी यही कहती है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। और आपका धर्म भी वही कहता है, बौद्ध धर्म भी वही कहता है, कोई चीज अलग नहीं है। और इसीलिए बाबा साहब ने इस संविधान की जो संरचना की थी, बहुत सारी चीजों को छान करके, बहुत सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद किया था। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगी। और नौजवान साथियों के लिए केवल एक संदेश है मेरा कि आजकल सोशल साइट जिस तरीके से चल रही है और जो इसकी हैकिंग हो रही है, प्लीज आप सब बहुत ही सतर्क रहें। किसी भी तरीके का अगर कोई कहीं से पोस्ट आता है, उस पर एकदम अग्रसर होकर उसको बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग करने की जरूरत नहीं है उसको, जब तक आप अच्छी तरीके से समझ न लें। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ले जाकर के आपको उठा के कहाँ पटक देगी, आप नहीं समझ रहे हैं कि इस समय जिस तरीके के इसके सेल चल रहे हैं, अब वो बीजेपी के आरएसएस के सेल चल रहे हैं, इनसे आप लोग सतर्क रहें। लेकिन अपनी बातों को सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक एक दूसरे तक जितना हो सकता है प्रचारित प्रसारित करें। और हम सबको एक साथ रहने की जरूरत है, चाहे वो छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो। मैं अपनी बात यही खत्म करती हूँ। सभी को जय भीम, नमस्कार।